हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस नई वीडियो में। तो इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं एक सेकेंड हैंड कार मार्केट की कुछ बातें। तो मैं दोस्तों इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी बेस्ट कार बताऊंगा जो आप सेकेंड हैंड मार्केट में कंसिडर कर सकते हो। तो ये वीडियो पूरी देखिए। तो दोस्तों, फर्स्ट हैंड कार मतलब न्यू शोरूम कार लेने से ज़्यादा सेंसिबल डिसीजन होता है कि 2-3 साल पुरानी गाड़ी वही फीचर्स पर लेस प्राइस में आप लें। ये बहुत ही सेंसिबल डिसीजन है, इसीलिए तो सेकेंड हैंड कार मार्केट का मतलब वॉल्यूम ज़्यादा है नए कार मार्केट से। तो दोस्तों, बहुत सारे लोग सेकेंड हैंड कार कंसिडर करते हैं, तो उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो बेस्ट कार मैं आपको सजेस्ट करूँगा, ये वेरिएबल प्राइस डिफ्रेंशिएशन होगा इसका, एक प्राइस सेगमेंट की नहीं होगी। 2 लाख से दोस्तों मैं 15 लाख तक भी गाड़ी आप बता सकते हो, तो ये कंसिडर कर लेना। तो दोस्तों, मैं कुछ लिस्ट बनाऊंगा, उससे नंबर नंबर से मैं आपको बढ़िया बताऊंगा। तो दोस्तों, फर्स्ट नंबर की कार है, इसका नाम है मारुति स्विफ्ट। इसमें स्विफ्ट भी ले सकते हो और स्विफ्ट डिजायर भी ले सकते हो। तो दोस्तों, ये विच ऑफ दी फाइनेस्ट कार मैं बोलूंगा, और बहुत ही सेंसिबल डिसीजन होता है ये गाड़ी लेना। और क्योंकि इसकी जो रिसेल वैल्यू है वो अच्छी है, तो आप लोगे फिर से वो गाड़ी अच्छे दाम पे ही जाएगी। और कंसिडर करना इसके अब करंट चल रही है 2020 में उसके पिछले वाली जनरेशन को, क्योंकि क्या है उसमें ज़्यादा अच्छे आपको बिल्ड क्वालिटी प्रोवाइड मिलेगी। तो दोस्तों हाँ, माइलेज वाइज और लुक वाइज भी ये गाड़ी बहुत अच्छी है, और आप निराश नहीं होगे, आँख बंद करके ये गाड़ी आप ले सकते हो। बहुत सारे आपको डीलर्स के पास और आपके जान पहचान वालों के पास गाड़ियाँ अवेलेबल होगी। तो सर्विस स्टेशन भी बहुत है इसके, तो उसका भी कुछ झंझट नहीं है, गाड़ी बेस्ट है। तो दोस्तों सेकंड नंबर पे मैं ले आया हूँ स्कोडा ऑक्टाविया 2013 टू 2016। हाँ दोस्तों, आप फिर से एक बार सुन लीजिएगा, 2013 टू 2016 तक, क्योंकि दोस्तों इस समय में जो गाड़ी थी वो बेशक से ही आपको बहुत ही कम प्राइस में आपको सेकंड हैंड मार्केट में मिल जाएगी। और भाई एक ध्यान से सुनना कि जो 2013 टू 2016 की स्कोडा है वो आप मैनुअल में प्रेफर करना, क्योंकि दोस्तों देख सकते हो कि ज़्यादा झंझट नहीं होती है मैनुअल कार्स, आप बहुत ही उनका कोई ज़्यादा खर्चा नहीं होता है। पर स्कोडा का ऑटोमेटिक गियर जो उसके बहुत आप खर्चे समझ सकते हो, कैसा यूज़ पे वो डिपेंड है। पर मैनुअल जो आप लेंगे तब थोड़ी आप जाँच पड़ताल करेंगे, तो उसके बाद आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम आपको इसमें नहीं दिखने को मिलेगी। गाड़ी नो डाउट बहुत ही अच्छी है और आपको बहुत ही कम प्राइस में सेकंड हैंड मार्केट में मिल जाएगी। तो दोस्तों, थर्ड नंबर पे मैं लेके आया हूँ वन ऑफ द माई फेवरेट कार, जिसका नाम है एलीट i20। हाँ दोस्तों, स्पेशली एलीट i20 बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड वन ऑफ द रिफाइंड इंजिन, स्पेशली मैं डीजल इंजिन की बात कर रहा हूँ, बहुत ही टॉर्की और रिस्पॉन्सिव इंजन है, और ट्रांसमिशन और क्लच वगैरह बहुत ही स्मूथ है। गाड़ी आपको बहुत ही मतलब 2014 या 15 से मिल जाएगी, अराउंड 5 लाख के अराउंड आपको मिल जाएगी गाड़ी। नो झंझट है और पार्ट्स के अवेलेबिलिटी भी बहुत है, ज़्यादा है, ह्यूंडई जैसा नाम है उसका। तो गाड़ी बहुत ही अच्छी है, वो आप कंसिडर कर सकते हो। तो दोस्तों, चौथी नंबर की गाड़ी है, उसका नाम है सबकी मतलब मेरी फेवरेट है, ह्यूंडई की है वर्ना। तो वर्ना विच ऑफ दी बेस्ट सेडान बोल सकते हो, कॉम्पैक्ट सेडान, सिटी से भी अच्छी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा उसका टॉर्की इंजन है, सबसे ज़्यादा पावरफुल कार है, और सेकेंड हैंड मार्केट में बहुत ज़्यादा है, आपको मिल जाएगी। कौन सी भी जनरेशन आप ले सकते हो, वर्ना कभी भी अच्छी ही। तो पावर होने के साथ साथ दोस्तों गाड़ी में फ्यूल एफिशिएंसी भी ज़्यादा होने की वजह से गाड़ी सेंसिबल डिसीजन लेना। तो दोस्तों, ये गाड़ी भी आप कंसिडर कर सकते हो, अंडर 8 लाख में आपको बहुत अच्छी कंडीशन में गाड़ी मिल जाएगी, तो आप इसकी तरफ जा सकते हो। तो दोस्तों, अगली गाड़ी है वॉक्सवैगन वेंटो। दोस्तों बहुत ही बेहतरीन कार है, और इंजन वाइज और बिल्ड क्वालिटी वाइज और आप देख सकते हो लुक वाइज अच्छी कार है, और बहुत ही आपको कम दामों में ये गाड़ी मिल जाती है, बहुत ही अट्रैक्टिव लुक्स इसके आते हैं,
इंजन भी TDI, स्पेशली TDI बोलूँगा मैं, डीजल इंजन, वो बहुत ही अच्छा है इस गाड़ी का। और बेशक से मैनुअल ट्रांसमिशन ये बहुत गाड़ी अच्छी है, और आप इसको मैनुअल ट्रांसमिशन में कंसिडर कर सकते हो। गाड़ी दिखने में और चलाने में बहुत ही अच्छी है, और कंफर्ट वाइज भी गाड़ी बहुत अच्छी है। तो हाँ दोस्तों, ज़रा ध्यान से लेना, क्योंकि जब ये क्विंटो खर्चा मांगती है तो ये कम नहीं करती है। तो दोस्तों, नेक्स्ट कार है टाटा की तरफ से, टाटा की जेस्ट, और बोल्ट भी ले लो इसमें। दोस्तों गाड़ी बहुत ही अच्छी है, उस वक्त टाटा की रिसेल वैल्यू इतनी अच्छी नहीं थी, पर यार गाड़ी प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा बनाती थी। गाड़ी आपको अराउंड 5 के अंदर मिल जाएगी, 5 लाख के अंदर मिल जाएगी नो डाउट, और बेस्ट कंडीशन में मिल जाएगी। भाई गाड़ी नेक्स्ट लेवल है, वो कम्पीट करती थी डिजायर से और अमेज से। गाड़ी की सिर्फ रिसेल वैल्यू कम होने की वजह से इसकी वैल्यू कम है, पर गाड़ी नो डाउट, मतलब यार क्या बोलते हैं उसको, लेके उठाने के ऐसे इस गाड़ी बहुत ही अच्छी गाड़ी, वो आप इसको कंसिडर कर सकते हो। तो अगली गाड़ी मैं बोलूँगा दोस्तों, वन ऑफ दी बेस्ट कार में बोलूँगा इस क्या बोलते हैं लिस्ट की, जिसका नाम है टोयोटा इनोवा। हाँ दोस्तों, टोयोटा इनोवा, इनोवा क्रिस्टा नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों, टोयोटा इनोवा। तो 2006 से ऊपर आप कोई सी गाड़ी ले लो, इंजन वाइज, कंफर्ट वाइज, A1 क्लास गाड़ी है दोस्तों। आप इसको कभी भी कंसिडर कर सकते हो, स्पेशली इसकी जो कंफर्ट लेवल है वो नेक्स्ट लेवल की है। और कितने भी चला लो इसको, आपको मतलब पेन नहीं होगा, इतनी ज़बरदस्त गाड़ी है। और गाड़ी की मतलब सर्विसिंग कॉस्ट भी कम है, इंजन भी बहुत तगड़ा है, और लॉन्ग लाइफ तक चलने वाला इंजन है, और फ्यूल एफिशिएंसी भी ज़्यादा अच्छी, एवरेज है, पर गाड़ी लुक वाइज और चलाने वाइज कंफर्टेबल है। गाड़ी अंडर 10 लैक्स में आपको मिल जाएगी मार्केट में, तो आप ढूंढने पर है कैसी आपको मिलेगी। कैसी लगी वीडियो दोस्तों, स्पेशली लिस्ट कैसी लगी, गाड़ियाँ कैसी लगी, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और कोई गाड़ी मुझसे छूट ना गई हो वो भी मुझे बताना। शॉर्ट वीडियो रखूँगा, और शॉर्ट वीडियो में थोड़ी खींच गई, पर ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन में थोड़ी